रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट देश में पर्यटन और आतिथ्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करेगा और नवीनतम उद्योग प्रवृत्तियों, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाएगा। ये बात टूरिज्म मैनेजमेंट के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर SP बंसल ने कही। ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट देश में पर्यटन और आतिथ्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करेगा और नवीनतम उद्योग प्रवृत्तियों, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाएगा। ये बात ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के नव नियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर SP बंसल ने कहा। गौरतलब है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली ने प्रोफेसर SP बंसल को 3 साल के लिए ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। हमीरपुर में बातचीत करते हुए प्रोफेसर SP बंसल ने कहा कि पूरे देश में समान विकास और मानकों को बनाए रखने के लिए आतिथ्य प्रबंधन और पर्यटन प्रबंधन के स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करने या फिर से डिजाइन करने के लिए बोर्ड जिम्मेदार होगा। डॉक्टर बंसल ने बताया कि सभी पर्यटन और आतिथ्य संस्थानों, शिक्षण और अनुसंधान में शैक्षिक और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य स्नातकों के इसमें घटक होने की आवश्यकता है, जो व्यापार के लिए एक व्यापक क्षितिज का निर्माण करते हैं और वैश्विक रूप से उनके रोजगार का दायरा खोलते हैं। डॉक्टर बंसल ने बताया कि संस्थान और उद्योग परस्पर सहयोगी बने, जिससे विद्यार्थियों को उद्योगों में जाने के अवसर और ऐसे अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के तहत जितने भी टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पे, इसमें 11 मेंबर हैं। 11 मेंबर में 3 एजुकेशनिस्ट होते हैं, बाकी सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस बोर्ड में। तो हमारी मीटिंग हुआ करेगी। मुख्य रूप से मैं ये समझता हूँ कि पर्यटन और टूरिज्म, इसको कई बार हम मैनेजमेंट के साथ लिंकअप करते हैं, इसको लिंकअप करने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी देख रहा था कि अभी हाल ही में एक सर्वे आया था, सर्वे के मुताबिक 76% जो आज की हमारी प्रेजेंट एजुकेशन है टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की, उसमें प्रेजेंट में 76% हम मैनेजर्स को तैयार करें इस तरह की एजुकेशन है, जबकि रिवर्स होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल 20% मैनेजर्स की आवश्यकता है और 80% हमारे को स्किल मैन पावर, तो इसमें स्किल जो कंपोनेंट है वो इसमें होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि नीड बेस्ड कोर्सेज किस तरह से होने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट हर एक ने करनी है, कोई जरूरी नहीं कि 4 साल का BHMCT सभी ने करना है। मैं समझता हूँ कि एग्जिट ऑप्शन रहनी चाहिए। मैं जो बदलाव मेन देख रहा हूँ जो करने वाला है वो ये है कि 1 साल बाद भी एग्जिट ऑप्शन रहनी चाहिए। 1 साल जिसने कर लिया उसको एग्जिट ऑप्शन रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए एक फूड प्रोडक्शन में एक ने स्पेशलाइजेशन कर ली, 1 साल का उसने कर लिया, तो 1 साल बाद एग्जिट रहना चाहिए, उसको डिप्लोमा दे देना चाहिए। 2 साल बाद भी एग्जिट रहना चाहिए, उसको एडवांस डिप्लोमा दे देना चाहिए। 3 साल बाद उसको पीजी डिप्लोमा या 3 साल बाद उसको एक डिग्री कोर्स देना चाहिए और 4 साल बाद उसको BHMCT का मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं पर प्रोफेसर बंसल ने कहा कि प्रदेश में स्पेशल टूरिज्म जोन बनाने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मंडी जिला में हवाई अड्डे के निर्माण को तभी सफल बना सकती है जब क्षेत्र में पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म आदि की अपार संभावनाएं हैं, जो तभी संभव है जब प्रदेश में स्पेशल टूरिज्म जोन बनाया जाएगा। अपार संभावनाएं है ही है। जैसे एक मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी चर्चा भी हुई थी, कुछ सुझाव भी दिया था। मुझे लगता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बेस पे एक स्पेशल टूरिज्म जोन क्रिएट किया जाना चाहिए हिमाचल में भी। ये जो मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम मंडी का एरिया लेते हैं, मंडी में एक प्रपोज एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तब सक्सेस होगा जब हम उसमें स्पेशल टूरिज्म जोन के इकोनॉमिक बेस पे टूरिज्म जोन बनाएं। टूरिज्म जोन में अपार संभावना है, क्योंकि जब तक ट्रैफिक नहीं होगा तब तक वहाँ टूरिज्म जो भी हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट सक्सेस नहीं होगा। तो एयरपोर्ट सक्सेस होने के लिए मुझे लगता है टूरिज्म ट्रैफिक कैसे बढ़ाया जाए, तो वो एक सेगमेंटिंग करनी पड़ेगी वहाँ पर टूरिज्म की, और वो एक एरिया स्पेशल टूरिज्म जोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ताकि मुझे लगता है कि यहाँ पर तो माइस टूरिज्म को लेकर के, हेरिटेज टूरिज्म को लेकर के, एथनिक टूरिज्म को लेकर के, एक्जोटिक टूरिज्म को लेकर के अपार संभावनाएं हैं। मेडिकल टूरिज्म एक अपकमिंग एरिया है। मुझे लगता है कि टूरिज्म को और मेडिकल वालों को आपस में मिलकर के एक मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, अपार संभावनाएं यहाँ पर। एडवेंचर टूरिज्म के पास संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर SP बंसल वर्तमान में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति होने के साथ ही बोर्ड ऑफ
गवर्नर में IITTM पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के विशेषज्ञ सदस्य, सार्क देशों के पर्यटन अकादमिक फोरम के अध्यक्ष, भारतीय पर्यटन और आतिथ्य कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं।